बसपा नेता हाजी बाबू हत्याकांड का खुलासा। चेले ने ही किया काम तमाम, बोरे में भर कर नाले में फेंकी थी लाश। हत्याकांड को लेकर पुलिस की थ्योरी कुछ और, इलाके में चर्चा कुछ और। बीती 9 सितंबर को बसपा नेता हाजी बाबू की बोरे में लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस चर्चित हत्याकांड का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने हाजी बाबू के हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। मामला है पूरा सर, कितने लोग पकड़े? 8 तारीख में सायंकाल थाना खुर्जा नगर पे एक सूचना दी गई कि हाजी बाबू नामक व्यक्ति जो है वह गायब हो गया है करीब 1:30 बजे से। हम लोग अभी तलाश कर रहे थे, अब सूचना देने आए हैं क्योंकि अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस सूचना पर गुनसुगी थाने पर दर्ज की गई थी, उसकी छानबीन की जा रही थी। इसी बीच जब पता चला तो वहाँ पर SOG भी लगा दी गई थी। थाना पुलिस और SOG ने मिलकर के छानबीन किया और उसके मोबाइल नंबर वगैरह को खोला तो पता चला कि उसका मोबाइल कहीं फेंका गया था, वहीं आसपास उसको बरामद किया गया मोबाइल को। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उससे पता लगा कि कुछ संदिग्ध नंबर आए, उन संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ पता चला कि उसका एक पल्लेदार रविंदर है जो कि उसकी यहाँ काम करता है, और उसी ने उसको बुलाया था। बुलाने के बाद उसके अपने एक मित्र अवतार के साथ जो कोई खुर्जा नगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उसकी एक चुन्नी से घर में चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसको नाले में ले जा करके बोरे में डाल करके चुन्नी से डाल दिया और उसकी स्कूटी जंक्शन रोड पे एक झाड़ी में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पुलिस ने दोनों मृतकों को गिरफ्तार किया है, मृतक की स्कूटी को बरामद किया है, जिस चुन्नी से डेड बॉडी को ले जाकर नाले में डाला गया उसको बरामद किया है, जिस चुन्नी से उसको गला घोटा गया था वह बरामद हो गया है। तो उनकी जो नियत थी घटना करने का कारण जो उन्होंने बताया कि उसने अपनी उसकी आदत थी वहाँ पर वो पैसे वगैरह काफ़ी रखता था, उनकी नियत ये थी कि इसकी मृत्यु उसको मारने के बाद और चाबी भी अपने साथ रखता था और चाबी ले लेंगे और उससे जो उसके बाहर के पैसे होंगे उसको निकाल लेंगे। चूँकि उस दिन घटना के दिन वो चाबी अपने तिजोरी में रखा नहीं था इसलिए इनके मनसूबा इनका सफल नहीं हुआ। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको न्यायिक अपेक्षा भेजा जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई। जैसा कि सुना आपने, पुलिस का कहना है कि आरती का काम करने वाले हाजी बाबू को उसके यहाँ काम करने वाले पल्लेदार महेंद्र उर्फ गोलू और उसके साथी राम अवतार ने की। पुलिस के मुताबिक मृतक के लोकेशन और कॉल डिटेल के सारे आरोपियों का पता चला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि आरोपियों ने हाजी बाबू की तिजोरी लूटने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन वह तिजोरी लूटने में सफल नहीं रहे और हाजी बाबू की लाश को बोरे में भर नाले में फेंक दिया। हालांकि हाजी बाबू की हत्या को लेकर एक दूसरे कारण की चर्चा सुर्खियों में है। चर्चा के मुताबिक हाजी बाबू की हत्या के पीछे एक महिला के साथ अवैध संबंध को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के पीछे का कारण चोरी करने की नियत को बताकर उस चर्चा पर विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।